इच्छा थी कुछ इसका एक्सपेंड करने का, वही हमने बता दिया। इसको तो हम सुरवे में किए, बहुत छोटा था तो मालूम है ना, तो फोर लेन तो हम ही ने बनवा दिए बहुत पहले से। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एयरपोर्ट का निरीक्षण करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पहुंचे हैं। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि इन सभी चीजों पर हमारी निगाहें हैं और जल्द ही बिहार के सड़कों में कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अररिया मामले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले में हमने अधिकारियों से पहले ही पूछा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ और कब हुआ, ये सारी जानकारी ली है और अपने अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि अररिया में एक वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार की हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। नहीं, आप तो जानते हैं ना कि सब चीज का यहाँ का विकास भी हो ही रहा है, तो उसी सिलसिले में एयरपोर्ट का जो राज्य सरकार का एरिया है उसको भी थोड़ा किनारे करके सब कुछ किया जा रहा है। तभी तो उसकी शुरुआत एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा और बचना है, बनेगा तो ही देखने आए हैं। और ये लोग जो हैं उनको भी इच्छा थी कुछ इसका एक्सपेंड करने का, वही हमने बता दिया। इसको तो हम सुरवे में किए, बहुत छोटा था तो मालूम है ना, तो फोर लेन तो हम ही ने बनवा दिए बहुत पहले से। इतना सब ऐतिहासिक जगह है कि इसमें इधर उधर तो डिस्टर्ब करना संभव ही नहीं है और वृक्षों को हटाना भी ठीक नहीं है। तो बाकी उस साइड से भी हम लोग रास्ता बनवा दे रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, आ सके। और वहां पर वाला अगर बन जाएगा बेटा वाला तो फिर कोई दिक्कत होगी, दोनों जगह लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए है। तो यही सब बात हो रही, सब कह रहे हैं इसी के लिए। एयरपोर्ट मिलेंगे की बात हो रही है बिहार को। वो तो है, हम लोग पहले ही से दिए हुए, आज से दिए हुए हैं। अरे और हम लोग आज से किए हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं है, वो सब तो शुरू से ना करवा दिए हैं। अब उसमें जो हम बता दिए थे वहां वाला, तो वहां का तो एक एक चीज को करवाए, वो सब पहले ही से करा दिए। तब तो बाद में देर किए थे कि इधर वाला हो उधर वाला हो, तो अब सबको समझ में आ गया कि उधर ही ठीक है। हम तो कह दिया था किसी को दिक्कत नहीं है, तो हर जगह करवा दिए, हो ही जाएगा, ठीक ही रहेगा। अररिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई है सर, गोली मार दिया। अररिया में पत्रकार को गोली मार दी, हिंदी अखबार की दुख की बात हो तो देख रहा है। कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया, तो देख रहा है। और सर बिहार में सूखा की स्थिति बन रही है, बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। देखिए ऐसा नहीं है, जो हम तो कल भी जरा था देख भी लेंगे, जहां जहां भी 80% से कम है उसको भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो हो ही रहा है, बढ़ ही गया। अब तो आप समझ रहे हैं कि हो गया है, 90% के ऊपर तक हो गया है। एरियल सर्वे करेंगे सर? हाँ नहीं तो देखेंगे एक बार रियली, हम ऊपर जा करके एक एक चीजवा को, इधर जो कम है ना पांच जिला में, तो उसको भी हम देखने वाले हैं, वो हम कल ही देख लेंगे पूरा। हम कह दिए हैं आज ही, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कल हम उसको देख लेंगे। एरियल सर्वे में निकलेंगे सर, है कल एरियल सर्वे में निकलेंगे, इसी से पूरा जा करके ले करके फिर लौट आएंगे। एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ दिखे तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। इसी के साथ साथ उन्होंने निरीक्षण के दौरान अररिया में जो मामला सामने आया है पत्रकार हत्या मामले में, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और कहा कि अधिकारियों को हमने आदेश दे दिया है, सारी जानकारी हमने प्राप्त की है और यहाँ से आने से पहले ही हमने इस मामले पर संज्ञान लिया है। इसी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही, तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।